तस्वीरों ने आज तक पता नहीं हमें कितना कुछ दिखाया है जो शायद हमारी आंखें नहीं देख सकती, या शायद उस चीज पर हम कुछ ज्यादा ध्यान ही नहीं देते। आज एक ऐसी तस्वीर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा जिसे देखने के बाद शायद आप भी अपने फोटो गैलरी को खोल के हर एक फोटो उसको चेक करने पर मजबूर हो जाए। यह जो फोटो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह फोटो 1919 में ली गई थी और 1975 में सर विक्टर गॉडर्ड, एक रिटायर्ड RAF ऑफिसर द्वारा इस फोटो को पब्लिश किया गया था। इस फोटो में आप कुछ आर्मीज को एक ग्रुप फोटो में देख सकते हैं। शुरुआत में ये काफी नॉर्मल फोटो दिखाई पड़ती है, मगर जब थोड़ा जूम करके देखा जाए और थोड़ा ध्यान देके देखा जाए तो एक इंसानी चेहरा हमें देखने को मिलता है। हल्का सा धुंधला चेहरा है मगर क्लियरली दिखाई पड़ता है। कुछ लोग यह दावा करते हैं कि ये फ्रेडी जैक्सन एक एयर मैकेनिक है, मगर ऐसा होना इम्पॉसिबल है क्योंकि जब ये फोटो ली गई थी उसके ठीक 2 दिन पहले फ्रेडी जैक्सन की मौत हो चुकी थी, और जिस दिन ये फोटो ली गई थी ठीक उसी दिन फ्रेडी जैक्सन की फनरल चल रही थी। जब फ्रेडी के जानने वालों को ये फोटो दिखाई गई तब वो चेहरा देख के समझ गए कि ये फ्रेडी ही है, क्योंकि चेहरा पूरा मिलता जुलता है। और जब आर्मी से इंक्वायरी की गई तब वो सब ये कहते हैं कि उनके पीछे ऐसा कोई नहीं था, ये शायद फ्रेडी ही थे। कुछ लोग आज भी ये मानते हैं कि जब फ्रेडी जैक्सन का आत्मा इस ग्रुप फोटो का हिस्सा बन रहा था तब शायद उसे मालूम ही नहीं था कि वो मर चुका है। अब क्या सच है या क्या नहीं ये तो हमें नहीं पता, मगर इस फोटो को देख के मुझे आत्मा पे विश्वास हो चुका है। दोस्तों आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन आपका है, ज़रूर लिखिए, मैं ज़रूर पढ़ूंगा। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।